हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब और स्वागत है आपका 444 कर्ली टैरो की एक और पैक का रीडिंग में। आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जगह पे मस्त होंगे एंड किसी भी प्रॉब्लम या दुविधा में हैं, होपफुली ये रीडिंग आपको हेल्प करे, क्योंकि आज की रीडिंग भी कुछ इस तरह की। आज की रीडिंग हमारी हमेशा की तरह 3 piles नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चंस, 3 questions अपने दिमाग में सोचे और उससे रिलेटेड आंसर होगा। ये टिपिकल येस नो आंसर भी हो सकता है, ये कोई एडवाइस भी हो सकता है, ये कोई सोल्यूशन भी हो सकता है। मतलब कोई 3 सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है, ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। तो देखो यहाँ पे 8 question marks आपको दिख रहे हैं डिफरेंट कलर्स के। आप कोई भी 3 questions पिक कर लीजिए, कोई भी 3 colors पिक कर लीजिए और हर क्वेश्चन को अपना जो सवाल है वो असाइन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल येलो क्वेश्चन मार्क सोचा question number 1, पर्पल सोचा question number 2, नीचे ब्राउन सोचा question number 3। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है ना। और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आप अपने अपने क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन की रीडिंग पे जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। सो अभी से कह देती हूँ, वीडियो को पॉज करो, अपने क्वेश्चंस देखो, अपने क्वेश्चन के कलर्स चूज करो, हर कलर के साथ अपना क्वेश्चन असाइन करो एंड देन रीडिंग पे चलो। ओके गाइस, सो अगर आपने अपने क्वेश्चंस चूज कर लिए हैं तो हम रीडिंग के साथ चलेंगे, फर्स्ट कलर के साथ। बाकी यू कैन टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड सेलेक्टेड। मैं चल रही हूँ फर्स्ट कलर के साथ, सबके टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। ओके, pile number 1, जिन्होंने भी रेड कलर का या मरून कलर का क्वेश्चन मार्क चूज़ किया है, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि कोई भी चीज़ आपको तब तक ट्रिगर नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ आपको तब तक तंग नहीं कर सकती जब तक आप उसको ऐसे ना एक्सेप्ट करो कि हाँ सच में ये आप में कमी है। तो अगर कोई पर्सन आपको किसी चीज़ की कमी महसूस करा रहा है, कोई सिचुएशन है जो आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि कहीं ना कहीं आप ही में कमी है, सो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होंगी। लाइफ में बहुत जल्दी पीस आएगा, इस कॉम्प्लेक्स से, इस गिल्ट से, इस गंदी फीलिंग से आप बहुत जल्दी निकलोगे बाहर। और उसके लिए आपको करना क्या है, यू रियली हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर। अगर आपको लगता है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई आपकी वेट को लेकर मजाक उड़ाता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई वेट है मेरा ज़्यादा, सो यू वॉन्ट टू वर्क ऑन इट, तो उसके हिसाब से वर्क करो। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑन इट, एक्सेप्ट इट एंड बी लाइक यार इसको बोलने दो जो बोलना है। तो आपका जो बहुत ही क्लियर आंसर है वो ये है कि जो भी आपका ट्रिगर है, आइदर वर्क ऑन योर ट्रिगर, ठीक है, या फिर उसको एक्सेप्ट करके अगर लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो उल्टा उनको और जवाब सुनाओ, क्योंकि इस तरह से बीच में दबे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। एंड द कार्ड्स आर सेइंग द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ट्रिगर्स, बी इट एक्सेप्टिंग इट और बी वर्किंग ऑन इट, ऑटोमेटिकली जो लोग अभी आपको बुली कर रहे हैं, लोग जो आपको छेड़ते हैं, सुनाते हैं या किसी भी तरीके से कम मांगते हैं, वो धीरे धीरे लाइफ से फिल्टर आउट होने लग जाएंगे या उनके मुँह चुप होने लग जाएंगे एंड यू विल गेट योर पीस। ओके, सो pile number 1 ये है आपकी रीडिंग। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो रेड कलर का हार्ट ड्रॉप कर लीजिएगा एंड लेट्स गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जिन्होंने भी चूज़ किया है, सेकेंड क्वेश्चन मार्क को देखो, आपके लिए बहुत क्लियर आंसर आ रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी आपकी फेवर में होने वाली है। अगर करंटली आपको लग रहा है कि आप सिर्फ दे ही जा रहे हो, आप सिर्फ गिविंग पोजीशन पे हो, आप रिसीविंग पोजीशन पे नहीं हो, तो बहुत जल्दी आप रिसीविंग पोजीशन पे आओगे। जस्ट ईश्वर पे विश्वास रखना, ये कॉन्फर्मेशन है आपके क्वेश्चन का जो भी आपने पूछा है। द थिंग्स विल कम योर वे, टाइम की बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, बट उसके लिए कंसिस्टेंट रहो अपनी काइंडनेस के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ और ईश्वर पे विश्वास रखो कि ये चीज़ें होंगी, आपके साथ होगा ज़रूर। हो सके तो नेचर वॉक्स करो, नेचर में वेकेशन लो सो दैट यू फील मोर काम एंड कंपोज, शायद नेचर से भी आपको कोई कॉन्फर्मेशन आ सकता है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है एज अ क्लैरिफिकेशन कि जो भी आपको चाहिए वो आपकी तरफ आएगा। बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम आएगा, मेहनत करो उसका फल मिलेगा, जस्ट उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, अपने अच्छे स्पिरिट को, अपने अच्छे नीयत को, अपने अच्छे काम को लगे रहना है और ये बिलीव रखना है कि ईश्वर सुन रहा है और वो कर रहा है, क्योंकि वो आपके साथ ये ज़रूर करेगा। सो एक कॉन्फर्मेशन आया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर टू ये है आपका आंसर। इसको एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है, क्लेम करना है, तो इसी कलर का हार्ट इमोजी नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ड्रॉप करना है एंड लेट्स गो टू योर अदर क्वेश्चंस।
हाय गाइस, जिन्होंने भी यहाँ पे पर्पल क्वेश्चन को चूज़ किया है, अगर हम आपने कोई येस एंड नो क्वेश्चन पूछा था तो उसका सिंपली आंसर येस आ रहा है, एक तो पहली बात ये है। दूसरा, कुछ एडवाइस वगैरह आपने कुछ कॉन्फर्मेशन यहाँ पे पूछा है तो आपको ये कहा जा रहा है कि सच्चा इंसान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो अगर किसी ने आपका बुरे टाइम में साथ छोड़ दिया है, टेक इट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन कि शायद वो पर्सन आपके लिए नहीं बना है। और जो सच्चा इंसान है ना, वो मुड़ के आपके पास वापस आएगा। और अगर करंटली आप लोग किसी सेपरेशन में हो, किसी सिचुएशन में, ख़राब सिचुएशन में फंसे हुए और बहुत ही नीचे लो जा चुके और सामने वाले को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, तो काज आर सेइंग दैट येस, इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, आगे बढ़ो। क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे तो जिस तरीके की आपकी कैपेसिटी है टू बी इनटू अ रिलेशनशिप, टू बी इनटू अ फ्रेंडशिप, लोगों की केयर करना, गिव करना, सपोर्ट करना, उस तरीके का आपको मिलेगा। बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, आपने जो एनर्जी सर्कल में प्यार भेजा है वो मुड़ के घूम के आपके पास वापस आएगा ही आएगा। सो आपके नसीब में प्यार है, आपके नसीब में उस तरीके की एप्रिसिएशन है, वो अफेक्शन है, उस मेहनत का फल है जो आप डिज़र्व करते हो, वो बिल्कुल आपके लिए है। जस्ट टेक इट एज अ साइन, अगर कोई आपके साथ अभी साथ नहीं निभा रहा है तो इट मीन्स वो आपका सच्चा इंसान नहीं है, वो आपका सच्चा साथी नहीं है, चाहे दोस्ती में हो, चाहे रोमांटिकली हो, चाहे प्रोफेशनली हो। एंड इट इज़ टाइम फॉर यू टू जस्ट बी एज लविंग एज यू आर, बट सेट योर प्रायोरिटीज़ डिफरेंट। ओके, सो येस, ये है आपका आंसर। आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नीचे टाइम स्टैम्प्स पर जाइए और अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर देखिए। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो पर्पल कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, हाय गाइस, जिन्होंने भी यहाँ पे ब्लैक कलर का क्वेश्चन मार्क चूज़ किया है, अगर बात करें आपके लिए क्या एक आंसर एडवाइस है, तो आपको ये कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत कन्वीनियंट लग रहा है, तो इट डजंट मीन कि यही चीज़ आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लाइफ में आ रहा है, एक नया चैप्टर आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर टेम्प्ररी कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, मे बी इट इज़ नॉट गोइंग टू सिट टू लॉन्ग फॉर यू इन द लाइफ, ये चीज़ कल को जाके बदलेगी और आपको रिस्क लेना भी ज़रूरी है। अगर आप एक स्पेस में भी बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, ये एक सिचुएशन हो सकती है, एक लोकेशन हो सकती है, एक कुछ भी एक इंस्टेंस हो सकता है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करने लग चुके हो खुद को, तो काजल सिंह कि आप एक न्यू चैप्टर की तरफ नहीं जाएंगे और आपकी तरक्की नए चैप्टर की तरफ ही है। क्योंकि यू आर जस्ट सीइंग द ग्लिटर, बट दैट ग्लिटर इज़ नॉट द गोल्ड। अगर असली गोल्ड के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए अगर आपको यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए इन शेप ऑफ सम पर्सन, इन शेप ऑफ सर्टन सिचुएशन, इन शेप ऑफ सर्टन इंसिडेंट, वो सब आपको प्रोवाइड होएगा। यू जस्ट हैव टू बी रेडी कि आप फाइनली ये रिस्क लो, ये फाइनली एक नए चैप्टर की तरफ जाओ। सो मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड होके एक कंफर्टेबल स्पेस में खुद को मत कन्फाइन करो, क्योंकि शायद वो आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते की ब्लॉकेज आप खुद बनोगे। सो डोंट डू दैट। ओके, सो इस रीडिंग की एनर्जी को अगर आपको क्लेम करना हो तो आप नीचे ब्लैक कलर का हार्ट इमोजी मुझे ड्रॉप करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स के लिए टाइम स्टैम्प को देख लीजिएगा। हाय गाइस, जिन्होंने भी ग्रीन क्वेश्चन मार्क को यहाँ चूज़ किया है, अगर आपका आंसर कहे तो काजल सिंह वक्त बदलने वाले हैं, जज्बात बदलने वाले हैं, टाइम बदलने वाला है, बट अच्छे के लिए बदलने वाला है। काजा सिंह के एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको आगे बढ़ना है बहुत ही ज़्यादा ना। आपका सिमिलर है आई थिंक क्वेश्चन शायद पिछली वाली पाइल से, क्योंकि उनका भी ऑलमोस्ट सेम सा आंसर था, बट आपके लिए चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरफ जाना है। आपको उस तरफ जाना है जहाँ पे आपने इतना सोचा नहीं है उस जगह की तरफ जाने का। तो ये करियर चेंज हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और मे बी आप एक कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड कोई करियर अडॉप्ट करना चाहते हो, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है यू आर अ पर्सन ऑफ लव और एकदम से आप अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो रहे हो। सो इट इज़ सेइंग दैट यू हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीप ऑफ फेथ, और लीप ऑफ फेथ उस तरफ लेना है जो आपने कंसिडर नहीं किया है, या फिर इन जनरल दुनिया आज के टाइम पर उस चीज़ को नहीं कंसिडर कर रही। तो बहुत लोग अगर कुछ बिजनेस वगैरह का भी सेटअप करना चाहते हैं कुछ करियर में भी, तो गो टू दोज सेक्टर्स, गो टू दोज इंडस्ट्रीज और गो टू दोज प्लेसेस जहाँ पे अभी इतना मार्केट नहीं बिल्ड हुआ है, जहाँ पे इतना रिकॉग्निशन अभी बिल्ड नहीं हुआ। सेम इट गोज इनटू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स एज वेल। आप बड़े बड़े ग्रीन फ्लैग्स के चक्कर में आप जो छोटे ग्रीन फ्लैग्स जो रिलेशनशिप में बहुत मैटर करते हो, शायद आप उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हो। तो नाउ टेक अ लीप ऑफ फेथ और उन ग्रीन छोटे छोटे फ्लैग्स को भी अगर आप सेलिब्रेट करोगे, शायद एक बहुत फ्रूटफुल रिलेशनशिप की तरफ चल सकते हो। इवन व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल हेल्थ, आप बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में कि यू नो मेरी बैक में पेन है,
ना मेरे पैर में दर्द है, मुझे ये चोट लगी है, वो चोट लगी, उस पर ध्यान दे रहे हो, उसके बजाय जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जैसे आपकी हो सकती है, फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी हो गया, सर दर्द हो गया, या कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें, आपको कह जा रहा है कि एक लीप ऑफ फेथ लो किसी भी अप्रोच में, फिजिकली, प्रोफेशनली, मेंटली, मेडिकली, विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट्स ऑफ कोर्स, बट गो टू अ डायरेक्शन जो अभी इतनी अनएक्सप्लोर्ड नहीं है, और आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में दिखेगा। सो यस, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको आंसर मिल गया और एनर्जी क्लेम करनी हो तो ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप कर लीजिएगा, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस आप नीचे टाइम स्टैम्प से देख के देख लीजिए। हाय गाइस, जिन्होंने भी व्हाइट कलर का क्वेश्चन मार्क चूज़ किया है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कोई अधूरा काम है आपका छूटा हुआ, उस काम को पूरा करो आप, और उस काम को पूरा करके उसका डंका बजाओ कि आपने फाइनली काम कंप्लीट कर लिया। ये आपको बहुत ग्रोथ दे सकता है पर्सनली, प्रोफेशनली, रोमांटिकली, इमोशनली, बी इट एक अधूरा छूटा हुआ रिलेशनशिप, या फिर एक छोटा सा छोटा एक अधूरी अलमारी जो आप समेट रहे थे वो बंद, समेटते समेटते आप रुक गए हो, ये जो भी अधूरी चीज़ है उसको आप एक बार फिर से कंप्लीट करना शुरू करोगे, मुझे लगता है कुछ डॉट्स ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ मेमोरीज ऐसी वापस फ्लैशबैक में आके आपके साथ कनेक्ट हो सकती है, जो आपको इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली एक क्लैरिटी दे। तो एक डीक्लटरिंग की या एक कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की एनर्जी आ रही है, जो कि कल को आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस दे सकती है, और नॉट इवन ऑन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑल्सो आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती है। तो कुछ भी अधूरा काम है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, प्लीज़ वर्क ऑन दैट। आपको देखना बहुत ही जल्दी वो एक डीक्लटर हो जाएगी एनर्जी, वो एक अनकम्प्लीट एनर्जी कंप्लीशन की तरफ आएगा, तो लाइफ में ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ोगे, यू विल सेंस दैट। सो यस, ये आपकी रीडिंग आ रही है। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो व्हाइट हार्ट इमोजी ड्रॉप कर दीजिएगा, और बाकी क्वेश्चंस के लिए रीडिंग को कंटिन्यू रखिए। हाय गाइस, जिन्होंने भी ब्राउन क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे चूज़ किया, आपके लिए बहुत ही क्लियर कट आंसर है कि लाइफ में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है, कैसा है, मुझे नहीं पता है। कार्ड्स कह रहे हैं बस आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, फाइनली सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चल रहा है। सो आपका सोल जिस चीज़ के लिए भी इस धरती पे आया था वो चीज़ के साथ आप अलाइन होने वाले हो, इसलिए कुछ टावर मोमेंट्स अभी लाइफ में हो सकती हैं, कुछ अनइवन चीज़ें हो रही हैं, अचानक से चीज़ें ज़िंदगी में चेंज हो रही हैं, एंड ये इसलिए हो रही है क्योंकि नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू कि जिस चीज़ के लिए आप बने हो आप उसकी तरफ काम करना शुरू करो। क्योंकि मेजरली ऐसा होता है जब टावर मोमेंट होता है उसके बाद स्टार का कार्ड आता है, हीलिंग का कार्ड आता है। तो अगर लाइफ में अभी बहुत कुछ बुरा होके हटा है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों का आने वाला है, क्योंकि आप अपने सोल के साथ, सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ अलाइन होने वाले हो, अपनी सोल ड्यूटी के साथ अलाइन होने वाले हो, और जब आप अपनी सोल ड्यूटी की तरफ अलाइन होंगे बहुत ज़्यादा सक्सेस, पीस, एंड बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए आसपास आती हुई देख रही है। कि लीडरशिप की मतलब बहुत अच्छी सिंक्रोनिसिटी बैठ रही है बहुत लोगों के लिए, यहाँ पे एक जेन्युइन पार्टनरशिप भी आ सकता है, या फिर एक जेन्युइन काम जो आपके लिए बना है, जो इस दुनिया में क्रिएट ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपके, आपने करना है, वो आपको मिलने वाला है। सो फाइनली सोल कॉलिंग के साथ अब आप मिलने वाले हो, एंड इसलिए लाइफ में ये सब हुआ है। सो बी रेडी फॉर दैट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस। ग्रेट रीडिंग गाइस, अगर इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो ब्राउन कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना, और अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए रीडिंग को कंटिन्यू रखिएगा। हाय गाइस, जिन्होंने भी लास्ट को यानी कि ग्रीन कलर के क्वेश्चन मार्क को चूज़ किया है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कंसिस्टेंसी के साथ चले रहने को, और कंसिस्टेंसी आपको किसी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ के लिए नहीं करनी है, बहुत एक रेगुलर चीज़ पे आप अगर कर रहे हो उसके साथ कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो कंसिस्टेंसी अगर आप उसकी रखोगे, आप अपने गुड कर्माज को ऐड करते जाओगे, या अगर कोई पास्ट लाइफ या कार्मिक एंसेस्ट्रल कुछ कर्माज का बैगेज आपके ऊपर है, आप उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हो। सो कार्ड्स कह रहे हैं बी कंसिस्टेंट इवन वैन इट इज़ अ वेरी ऑर्डनरी थिंग इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक वर्कआउट रूटीन ही अटेंड स्टार्ट करना शुरू किया, बी कंसिस्टेंट विद दैट, बी रेगुलर विद दैट, ये कहीं ना कहीं आपको कल को जाके रिजल्ट देगा। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑर्डनरी चीज़ें करते करते ही आपको लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिवॉर्ड मिलेगा। सो एक ये भी आपके लिए कॉन्फर्मेशन आ रहा है कि जस्ट टू अचीव सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ You don't have to do something extraordinary. आपको ordinary चीज़ों के साथ ही focus और concentration और consistency के साथ रहना है, and you will be able to make a difference. So nothing to do extraordinary. Do the ordinary, but do it consistently.
डू इट रेगुलरली एंड यू विल बी एबल टू डू समथिंग जो कि एक्सेप्शनल है. तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस कि कुछ बहुत अलग हटके करने की ज़रूरत नहीं है. रेगुलरली जो करते हो वही करते जाओ एंड बेसिक चीज़ों से कर रहे हो बेसिक चीज़ों से ही करते जाओ. बेयर मिनिमम कर रहे हो बेयर मिनिमम ही करते जाओ बट उसको कॉन्टिन्यूसली अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ और डेडिकेशन के साथ करते रहोगे ना इट इज़ गोइंग टू लीड यू टू समथिंग वेरी ग्रेट एंड ट्रमेंडस इन योर लाइफ. सो बी कंसिस्टेंट विद दैट. तो ये आपकी रीडिंग की एनर्जी है. अगर आपको इस आंसर की एनर्जी को क्लेम करना हो तो ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा एंड बाकी क्वेश्चंस की रीडिंग के आंसर जाने हो तो रीडिंग को दोबारा से देख लीजिएगा. बाय बाय.